कोडेला क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिली क्लीन चिट के बाद अब एनसीबी पर सवाल या निशान लगने लगे हैं। सूत्रों की माने तो आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के पूर्व सोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच का आदेश दिया गया है। जांच केंद्र गृह मंत्रालय के कहने पर करवाई जा रही है। दोषी साबित होने पर समीर वानखेड़े के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल एनसीबी ने शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश की। इसमें आर्यन खान का नाम नहीं है। आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने को लेकर एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान ने माना है कि इस मामले में समीर वानखेड़े और उनकी टीम से गलती हुई है। बता दें कि समीर वानखेड़े उस वक्त इस मामले में जांच अधिकारी थे। बता दें एसआईटी यानी विशेष जांच दल ने इस मामले की जांच में गंभीर अनियमितताओं को पता लगाया है। एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि आर्यन को गिरफ्तार करने वाली उसकी पहली टीम ने आरोपी की अनिवार्य मेडिकल जांच, छापेमारी की वीडियो रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट के लिए सबूतों की पुष्टि जैसे नियमों का पालन नहीं किया। बता दें आर्यन केस में विवादों में घिरने के बाद उन्हें डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI में ट्रांसफर कर दिया गया था। अब न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि सरकार ने सक्षम अधिकारियों को आर्यन खान ड्रग्स मामले में पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की गलत जांच के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए कह दिया है। सरकार पहले ही समीर वानखेड़े के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई कर चुकी है। उनके फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे को राकांपा नेता नवाब मलिक ने उजागर किया था, जिन्हें बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दूसरी ओर DGSN प्रधान ने कहा है कि अगर पहली जांच टीम से गलती नहीं होती तो SIT जांच टेक ओवर क्यों करती। कुछ कमियां रह गई तभी SIT ने केस लिया। इन कमियों को दूर करने के लिए या फिर कम से कम आगे की कार्रवाई सही हो, इसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है। वहीं NCB के DDG ऑपरेशंस संजय कुमार सिंह ने क्या कहा, आइए जानते हैं। उन्होंने कहा, आर्यन के खिलाफ हमें प्रमाण नहीं मिले, इसलिए हम उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे हैं। हमारी जांच जो हुई है वो निष्पक्ष जांच रही है। हमने पाया है कि 6 लोगों के खिलाफ हमें प्रमाण नहीं मिले हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं किया है। बाकी 14 में से 13 लोगों के पास से ड्रग की रिकवरी हुई है। उनके पास से मिले बाकी सबूत ये साबित करते हैं कि उन्होंने ड्रग पेडलर से ड्रग्स लेकर दोस्तों को उपलब्ध कराए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये स्पष्ट है कि शुरुआती जांच में साफ हो गया था कि ड्रग्स जो मिले थे वो आर्यन खान के लिए नहीं थे। व्हाट्सएप चैट इस केस से आर्यन खान को लिंक नहीं करते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेडिकल जांच नहीं कराई गई थी, जिससे ये साबित नहीं हुआ कि उन्होंने ड्रग्स लिए थे। अब इस मामले पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को क्लीन चिट की खबरें उन्होंने सुनी है। NCB एक प्रोफेशनल जांच एजेंसी है, उनके पास सबूत नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने क्लीन चिट दी होगी। दूसरी ओर बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा भट्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही समीर वानखेड़े की जमकर आलोचना की है। पूजा भट्ट ने अपने ट्वीट में लिखा, समीर कौन, सॉरी कहां, शायद वो खुद को सही और प्रचार से दूर रहने वाला अफसर सिद्ध करने में कहीं और व्यस्त हैं। आखिरकार इतनी गंदगी जो है साफ करने के लिए, और उन सभी में से सबसे कम भ्रष्ट से बेहतर कौन समाज को सभी बुराई और सड़ांध से मुक्ति दिला सकता है। सिर्फ इस बार किसी भी सेल्फी की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि एनसीबी की चार्जशीट में आर्यन खान, अवीन साहू, गोपाल जी आनंद, समीर साइगन, भास्कर अरोड़ा, मानव सिंघल के नाम नहीं है। चार्जशीट में 14 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, यानी इन लोगों पर केस चलाया जाएगा, लेकिन आर्यन खान फिलहाल राहत की सांस ले रहे हैं। बता दें कि 5 नवंबर 2021 को एनसीबी ने मामले से मुंबई जोनल यूनिट समीर वानखेड़े को हटा दिया था और जांच को दिल्ली स्थित अपनी संचालन इकाई में स्थानांतरित कर दिया था, यानी ट्रांसफर कर दिया था। मामले में एक स्वतंत्र गवाह द्वारा शामिल लोगों द्वारा जबरन वसूली का दावा किए जाने के बाद वानखेड़े विभागीय सतर्कता जाँच का सामना कर रहे थे।